नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो फीफा वर्ल्ड कप पढ़ेंगे अपन, और ये 20वां 21वां 22वां इनकी आगामी जो प्रतियोगिता होगी उसकी अपन बात करेंगे। उससे पहले हमने खेल के कई बिंदु पढ़ चुके हैं हम, उसके पहले अपन ओलंपिक भी पढ़ लेंगे, उसके आगे ओलंपिक भी पढ़ेंगे हम, और ओलंपिक के बाद जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो भी पढ़ेंगे। खेल के बिंदु हैं जो भी आपके जो कमेंट में जो बिंदु आए हैं खेल में पढ़ने होंगे उन सबको अपन बात करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जो भी बिंदु आपको पढ़ना है उसके बारे में हमें आप जरूर बताएं, कमेंट के माध्यम से हम जरूर पढ़ेंगे उनको। तो हमें तो पढ़ाना है ही, फिर आपके रुचिवर विषय यदि पढ़ाया जा रहा तो और उससे बढ़िया हो ही कह सकते हैं। आगे देखो, अपन जो पढ़ रहे हैं ये फीफा वर्ल्ड कप है। फीफा जो वर्ल्ड कप है इसके बारे में है, पहले तो उसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद जो मोटा अपना इम्पोर्टेंट है वो 21वां फीफा विश्व कप है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा यही है। थोड़ा सा इससे पहले अपन थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखो, इसकी स्थापना है, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को होती है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को होती है। उसके बाद है इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ज्यूरिख में। और इसके अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो इसके जो अध्यक्ष हैं, और पुनः अभी हाल ही में 2019 में इनको पुनः मनोनीत किया गया है, पुनः यही अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद जो फीफा में कुल सदस्य देश है वो 211 सदस्य देश हैं। और प्रथम विश्व कप 1930 में उरुग्वे में खेला गया था। ये तो इसकी मोटी मोटी चीज़ें हैं। और फीफा विश्व कप भी 20वां 2014 में, 21वां 2018 में और 22वां 2022 में। तो 20वां जो फीफा विश्व कप है वो 2014 में जो खेला जाता है ब्राज़ील में, और 21वां 2018 में रूस में खेला जाता है, इसकी अपन बात करेंगे विस्तृत बात। और 22वां 2022 में कतर में खेला जाएगा। और 21वां फीफा विश्व कप है 2018 का जो रूस में खेला गया है उसके बारे में, इसका जो मोस्कोट है वो है जाबीवाका। ये बहुत बार 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसका जो मोस्कोट है वो जाबीवाका है। और इसका आयोजन 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में किया गया था। इसका आयोजनकर्ता जो मेजबान देश है वो रूस था। मोटी बातें करेंगे, इसमें टीम है 35 टीमों ने भाग लिया था, 64 मैच हुए थे, 169 गोले की गई थी। उसके बाद इसमें विजेता है वो फ्रांस है जिसके कप्तान ह्यूगो लोरिस हैं, और उपविजेता टीम क्रोएशिया की थी जिसके कप्तान लुका मॉड्रिक है। 18 की प्रतियोगिता है इसलिए मोटा मोटा हमें पढ़ना पड़ेगा। क्रोएशिया के कप्तान लुका मॉड्रिक है। फिर ये जो गोल्डन अवार्ड जिनको मिलता है फीफा में, इनकी बात करेंगे अपन। पहला जो खिलाड़ी है वो इंग्लैंड का है, हैरिकेन। हैरिकेन के बारे में ही है कि इसको गोल्डन बूट अवार्ड मिलता है, और गोल्डन बूट अवार्ड इस बात के लिए मिलता है कि सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी था, ये 6 गोल इसने की थी। उसके बाद है लुका मॉड्रिक हैं जो क्रोएशिया के कप्तान हैं और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। और फिर है काइलियन एबुआपे, ये फ्रांस के हैं, यंग प्लेयर अवार्ड है, सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी हैं, इसलिए इनको ये यंग प्लेयर अवार्ड टूर्नामेंट ऑफ द फीफा अवार्ड दिया गया है। इसी के आधार पर हमने आज पढ़ा है वो फीफा अवार्ड कब पढ़ा है। आगामी जो हमारी क्लास है वो आपके कॉमेंट के आधार पर ही करंट की वो रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।